Hello, hi there, welcome back to my channel. My name is Roy and in this video I am going to provide a concept of anthropological theories. But before we jump into the lessons, I want to quickly remind you to hit the subscribe button and turn on the notifications. That way you will never miss any of my future tutorials and updates. Hello and welcome to our lecture, today's lecture on structuralism and anthropology in anthropology. Specifically, we will concentrate upon the theories of Lévi-Strauss and Edmund Leach. So in this lecture, we will discuss the key concepts and principles of structuralism, its origin and its relevance in contemporary anthropology. So I have uploaded many lectures on the anthropological theories. Now it's time for structuralism, and if you have any confusion over these videos, कुछ भी चैनल पे अगर कुछ भी कौन सा कोई भी वीडियो पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए उस पर. और जैसे ही एक सीरीज़ में एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं तो शुरुआत से स्टार्ट करने से क्या होगा, एक कंटिन्यूएशन बना रहेगा और आपको समझने में भी आसानी होगा. तो एक एक के बाद एक एक मैं ऐसे करके वीडियो दे रहा हूँ ताकि सीरीज़ वाइज बना भी रहे. तो आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म, तो पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ. स्ट्रक्चरलिज्म जो है प्रेडोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्कूल्स ऑफ फेनोमेनोलॉजी एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. हम लोग जानते हैं इसको जो एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होता है, जी हाँ, जहाँ पे एक ओवरऑल साइकोलॉजी थ्योरी ऑफ नीड्स ये सब दे के एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि स्कूल्स ऑफ फेनोमेनोलॉजी. फेनोमेनोलॉजी और ये जब से ये जो फेनोमेना हो रहा है, ये जो फंक्शंस हो रहा है इसका और जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियरल स्ट्रक्चर का एक इन्फ्लुएंस्ड पार्ट है, ये वहीं से उत्पन्न हुआ है, वहीं से आया है. तो बोथ ऑफ व्हिच आर फॉस्टर्ड इन जर्मनी बिटवीन 1910 एंड 1930. तो ये जो है 1910 से 1930 के बीच में ये आया था, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म का थ्योरी है. तो इसके बारे में और हम लोग देखते हैं, गहरा देखते हैं कि फिर फिनोमेनोलॉजी वॉज अ स्कूल ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट डेट अटेम्प्टेड टू गिव ए फिलोसॉफी ए रैशनल साइंटिफिक बेसिस. उस सब्जेक्ट को जो है फिनोमेनोलॉजी को एक साइंटिफिक बेसिस देना चाहते थे कि कैसे हम रैशनलाइज करेंगे इसको, साइंटिफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे. तो प्रिंसिपली इट वॉज कॉन्सर्न विथ एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एब्लिशिंग द गल्फ डेट हैड ट्रेडिशनली एग्जिस्टेड बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन थॉट. कॉन्शियसनेस एज ए परसीव्ड, तो हर एक सोसाइटी का जो कॉन्शियसनेस आ रहा है, अवेयरनेस अप्रूव हो रहा है, कैसे अपडेट हो रहा है इंफॉर्मेशन में, वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ समथिंग एंड दैट पिक्चर दैट होल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट बट इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो ये जो है ये रिलेशन है, ये सोच और एक यूनिट में, एक यूनिट जो सोच रहा है, एक कलेक्टिव पीपल, एक ग्रुप, एक सोसाइटी जो सोच रहा है उसके साथ ये होल का एक रिलेशन है. कॉन्शियस से ही अवेयरनेस आ रहा है, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन को यहाँ पे फिनोमेनोलॉजी से समझा रहे हैं. तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे हम लोग क्या देखेंगे ना कि तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे हम लोग क्या देखेंगे, किस किस से इन्फ्लुएंस हुआ है देखा ना, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से और किससे ना, फेनोमेनोलॉजी से. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या बता रहा है ना, एक दैट ऑल ह्यूमन कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज पैटर्न्ड. ये जो ह्यूमन कॉन्शियस है ये एक पैटर्न में है, हर एक पैटर्न अलग अलग है, एक कल्चरल पैटर्न को फॉलो करते हुए ये बनता है. एम्फेसाइजिंग दैट द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, तो हम लोग ये जानते हैं कि द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट. तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
हर एक यूनिट का जो कॉन्शियसनेस है, ये हर एक का कॉन्शियसनेस मिला के इसमें कॉन्जॉइन करके ये एक सर्कल बनता है, जहां पे ये कलेक्टिव कॉन्शियस से मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे एक लैंग्वेज, तो द थियोरिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ लैंग्वेज बाई ससुरी, द फर्डिनेंड ससुरी इन 1920। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है जहाँ से ये थ्योरी भी डेवलप हुआ है स्ट्रक्चरलिज्म का। तो वो है कि द थियोरिटिकल फ्रेमवर्क इन लिंग्विस्टिक बाई एफ डी ससुर इन द लेट 1920। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, तो ये नोटिंग करने के लिए भी कहा जाए काम आएगा। ये फर्डिनेंड डी ससुर, ठीक है, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ लिंग्विस्टिक, तो यहीं से आया है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो कौन कहां से इन्फ्लुएंस हुआ है ना, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से एंड फेनोमेनोलॉजी से। ठीक है, तो अब थियोरिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ इसमें क्या बात हो रहा है, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क इन लिंग्विस्टिक में फर्डिनेंड ससुरी इसमें बात कर रहे कि दैट लैंग्वेज वेर कंस्ट्रक्टेड टू हिडन रूल्स दैट प्रैक्टिशनर नो बट आर अनेबल टू आर्टिकुलेट। इन अदर वर्ड्स, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल्दो वी मे ऑल स्पीक द सेम लैंग्वेज, हम लोग सब एक ही लैंग्वेज को बोल सकते हैं, जैसे कि एक हिंदी हुआ, बंगाली हुआ, इंग्लिश हुआ। ठीक है, ये हर एक लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है, हर एक डिफाइन स्ट्रक्चर है ना, किसी का स्क्वायर है, किसी का ट्रायंगल है, किसी का राउंड है। ठीक है, अब ये जो हम लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू फुली आर्टिकुलेट द ग्रामेटिकल रूल्स दैट गवर्न व्हाई वी अरेंज वर्ड इन द ऑर्डर वी डू। ये बोल तो लैंग्वेज हम सभी रहे हैं, लेकिन सबको क्या ग्रामर का सब कोई क्या ग्रामर को ध्यान में रख के बोल रहा है? नहीं, तो ये एक होल पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं। सब हो सकता है कोई नया आया है बाहर से, मेरे को लैंग्वेज नहीं पता है, तो ये क्या करेगा, ये होल को देखेगा, ये जो पूरा लैंग्वेज का जो ग्रामर है उसको नहीं चलेगा, वो पूरा को देखेगा, एक ऑब्जेक्ट जैसा देखेगा पूरा को, होल। ठीक है, जैसे बहुत किसी को अगर इंग्लिश नहीं आता है तो वो क्या करता है, थैंक यू, सॉरी, हाउ आर यू, ये पूरा को बोलता है, ऐसे ऐसे होल, नॉट एज ए पार्ट, नॉट एज ए ग्रामर। हाँ, तो यही स्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर इन फर्डिनेंड ससुरी ने इसको भी डिस्क्राइब किया, जहां पे फोनेटिक्स फिर सेम्यूटिक्स इसके बारे में भी बात होता है। तो अब आते हैं हम क्लॉड लेविस्ट्रॉस पे। तो क्लॉड लेविस्ट्रॉस वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो क्लॉड लेविस्ट्रॉस क्या है ना, फादर ऑफ फादर है ये ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के, एंथ्रोपोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म। इन द 1940 ही प्रपोज दैट द प्रॉपर फोकस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इज ऑन द अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ ह्यूमन थॉट दैट प्रोड्यूस द कल्चरल कैटेगरीज दैट ऑर्गेनाइज वर्ल्ड व्यूज विच वी स्टडीड। जैसे कि एक अंडरलाइंग ह्यूमन थॉट, ठीक है, एक अंडरलाइंग ह्यूमन थॉट है, एक लैंग्वेज को लेके एक थॉट है पहले, और ये थॉट के पीछे एक स्ट्रक्चर है,
जैसे कि लैंग्वेज का ग्रामर है, वैसे कि थॉट है, ठीक है। दैट एंथ्रोपोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पैटर्न ऑफ ह्यूमन थॉट्स दैट प्रोड्यूस द कल्चरल कैटेगरीज दैट ऑर्गेनाइज वर्ल्ड व्यूज। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, हर एक कल्चरल पैटर्न के हिसाब से हो रहा है, हर एक कल्चरल पैटर्न के हिसाब से उसका कल्चरल कॉग्निशन हो रहा है। कल्चरल कॉग्निशन जैसे ही हो रहा है, उसका उसका जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का स्ट्रक्चर वैसे ही हो रहा है, और उसका वर्ल्ड व्यू भी ऐसे ही हो रहा है, उसको दुनिया को देखने का नज़ारा भी वैसे ही हो रहा है जैसे वो लैंग्वेज को रिकॉग्निशन में ला रहा है, उसका बिहेवियरल में ला रहा है, और उससे स्ट्रक्चर कर रहा है, उसका फंक्शन से, उसका थॉट प्रोसेस से उसको फंक्शन कर रहा है, ठीक है। ही बिलीव दैट दिस प्रोसेस डिड नॉट डिटरमाइन कल्चर बट इंस्टेड ऑपरेटेड विद इन कल्चर। तो ये बाहर का चीज़ नहीं है, ये कल्चर के अंदर ही एक इंट्रिंसिक पार्ट है जहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, रिलीजियन हो सकता है, माइथोलॉजी हो सकता है, ईटिंग पैटर्न हो सकता है, कुछ भी। ही बिलीव दैट तो दैट डिड नॉट डिटरमाइन द कल्चर। अब ये जो वर्क है इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय एमाइल डोर्किम एंड मार्सेल मॉस, ठीक है। यहाँ पे दो लोग का नाम और भी लिया जाएगा जो कि है एमाइल डोर्किम और है मार्सेल मॉस, ठीक है। तो इन प्राग स्कूल ऑफ एज वेल एज द प्राग स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक इंक्लूड रोमान जैकबसन एंड निकोलाई ट्रोबेटोस्की, ठीक है। इनके साथ साथ स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल में किसका नाम लिया जाता है ना, प्राग स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक, ठीक है, इसका भी। फ्रॉम द लेटर ही डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी कॉन्ट्रास्ट। तो ये जो बाइनरी ऑपोजिशन का बात मैं कर रहा था, अब ये बाइनरी ऑपोजिशन से कैसे डिफाइन करते हैं ना, मेल एंड फीमेल, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये जो बाइनरी ऑपोजिशन है, इसी से एक फंडामेंटल उनका थ्योरी का ये फंडामेंटल बेस है, ठीक है। तो इन 1972 उनका एक बुक आया जिसमें वो स्ट्रक्चरलिज्म एंड इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, डिटेल द टेनेट्स ऑफ व्हाट विड बिकम स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ही प्रपोज्ड दैट कल्चर लाइक लैंग्वेज इज कंपोज्ड ऑफ हिडन रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स। तो द प्रैक्टिशनर्स, द प्रैक्टिसिंग ऑफ द स्पेसिफिक लैंग्वेज बिलोंगिंग टू दैट स्पेसिफिक कल्चरल ग्रुप और द कल्चरल मॉडल। ही आर्टिकुलेट हिज ओन hidden rules of that language. The structural paradigm in anthropology suggests that the structure of human thought process is the same in all culture and that this mental process exists in the same form of binary opposition. ये Winthrop का theory है जिसने बोला कि ये जो paradigm है, structuralist paradigm है, ये the structure of human thought process को हर एक जगह पे एक same तरह से follow करता है, ठीक है। एंड दिस मेंटल प्रोसेस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन। और ये जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो किसको फॉलो करता है ना, ये बाइनरी ऑपोजिशन को फॉलो करके जाता है, ठीक है। गुड और बैड, गॉड एंड डीमन, सो ऑल दिस ऑपोजिशंस इंक्लूड हॉट एंड कोल्ड, मेल एंड फीमेल, कल्चर एंड नेचर, रॉ एंड द कुक्ड। स्ट्रक्चरलिज्म आर्ग्यूड दैट दिस बाइनरी ऑपोजिशंस विच आर रिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। तो हम देखते हैं कि बहुत सारा कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जिस कल्चरल इंस्टीट्यूशन से धीरे धीरे ये बाइनरी ऑपोजिशंस के हिसाब से इसको कंज्यूम किया जा रहा है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को ना। कैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट में डिस्कवर अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस बाय एग्जामिनिंग सच एज थिंग्स लाइक किनशिप, मीथ, लैंग्वेज, ठीक है। इट इज प्रपोज दैट That a hidden reality exists beneath all cultural expression. तो मैं जैसे पुराने वीडियो में भी बोला हूँ कि हर एक कल्चर का एक अंडरलाइन स्ट्रक्चर होगा, एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, और उसके नीचे एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर का एक फंक्शन के हिसाब से उसका एक्सप्रेशन पड़ेगा, ठीक है।
Structuralists aim to understand the underlying meaning involved in human thoughts as expressed in cultural expression. तो ये जो cultural expression है, ये underlying meaning है of human thought का, ठीक है? The theoretical approach जो आता है structuralism में, वो emphasis करता है the element of culture, culture का जो element है, ये अंडरस्टूड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप. तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द बाइनरी ऑपोजिशन, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, इसके बीच में क्या रिलेशन है इसके, और वो कौन सा कल्चरल मॉडल पे है, उसके हिसाब से ये थियोरिटिकल अप्रोच दिया गया है. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. दैट द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एसेंशियली एलिमेंट्स द कल्चर आर नॉट एक्सप्लेनेटरी इन एंड देमसेल्फ बट रेदर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए मीनिंगफुल सिस्टम. ये जो कल्चर को हम लोग सब एक्सप्लेनेटरी हिसाब से देखते हैं, होल कल्चर को, ऐसा करने से हम लोग को नहीं चलेगा. स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक यूनिट हिसाब से देखना पड़ेगा. हर एक यूनिट एक अलग अलग स्ट्रक्चर है. जैसे कि हमारा बॉडी में एक हर एक ऑर्गन का एक अलग अलग स्ट्रक्चर है, एक अलग फंक्शन है, उस हिसाब से यहाँ पर भी काम करता है. तो ये जो एनालिटिकल मॉडल है, Structuralism assumes where universality of human thought process in an effort to explain the deep structure or the underlying matrix of existing cultural phenomena. ठीक है, तो अब इसमें हम लोग अब बात कर लिए हैं कि मिड 20th सेंचुरी में आया है और इसका फादर कौन है ना, लेवी स्ट्रॉस एंड कॉलिग्स. ठीक है, एडमंड लीच ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट also contributed significantly in the development of structuralism. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज और उसका कल्चर और उसका नेचर, ये जो बाइनरी ऑपोजिशन है लैंग्वेज का, ये इसी पे बेस करता है एक माइंड का रिकॉग्निशन, एक माइंड का कॉग्निशन फैक्टर. ये जो बिहेवियरल, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गियर्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये हर एक गियर्स एक एक स्ट्रक्चर पे बना हुआ है और एक स्ट्रक्चर एक थॉट प्रोसेस को फ्यूल कर रहा है, एक थॉट प्रोसेस को बढ़ा रहा है, तभी जल रहा है एक बल्ब, दिमाग की बत्ती, तभी आइडिया कॉन्सिडरेट हो रहा है, तब एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है और अब न्यू इन्फॉर्मेशन से हम लोग अपडेट हो रहे हैं, होमो सेपियंस इवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग का फूड स्टाइल में डिफरेंसेस आया. पहले हम लोग रॉ खाते थे, फिर हम लोग क्या करने लगे ना, पकाने लगे, कुक्ड करने लगे. ये जो बाइनरी ऑपोजिशन आया, इससे हम लोग का स्ट्रक्चर में चेंज आया, स्ट्रक्चर से फंक्शन में चेंज आया, फंक्शन से हमारा सोसाइटी डेवलप, हम लोग का फॉरवर्ड हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम में. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसका लीडिंग फिगर्स कौन कौन है ना. क्लॉड लेविस्ट्रॉस है जो जिसका जन्म हुआ था, ये क्लॉड लेविस्ट्रॉस, ठीक है, जो जिनका जन्म हुआ था 1908 में और डेथ हुआ था 2009 में. तो 100 ईयर्स ये जिंदा थे, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पिवोटल उसमें अपना रोल छोड़ के गए हैं, इम्पोर्टेंट रोल छोड़ के गए हैं, उनका एमिनेंट वर्क को छोड़ के गए हैं एज एन एमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो और एक बार देख लेते हैं कि शॉर्ट में किस कॉन्सेप्ट क्या है ना. द की कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज दैट इट्स ब्राइकोलेज और विच रेफर्स to the way that people use the resource available to them in their environment to create cultural artifacts and practices. तो जो cultural artifacts and practices कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा resource को, कौन सा human resource को वो available कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या बोलते हैं फिर, the structuralists argue that these practices are not simply random or arbitrary. ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मैरिज सिस्टम है, ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, इसका जो प्रैक्टिस है, ये सिर्फ नॉर्मल नहीं हो सकता, इसका बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है. जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है, ये रेजोनेट करता है और सोसाइटी में उसका रिफ्लेक्शन आता है. ठीक है, क्योंकि हर एक कल्चरल मीनिंग का एक रीजन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, पीपल अटैच टू देम. फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग और ज्वेलरी कैन बी सीन एज ए फॉर्म ऑफ ब्राइकोलेज. तो ब्राइकोलेज क्या है ना, ब्राइकोलेज का मीनिंग क्या है,
न कॉन्स्ट्रक्शन और क्रिएशन फ्रॉम ए डाइवर्स रेंज ऑफ अवेलेबल थिंग। बोलते हैं कि ये जो बहुत सारा ब्राइकोलॉज का मीनिंग देख लीजिए, आपका वोकेबुलरी भी इंक्रीज हो जाएगा ये चैनल को फॉलो करते करते। तो ब्राइकोलॉज में क्या बोलते हैं ना, कॉन्स्ट्रक्शन और क्रिएशन, एक चीज़ को हम लोग फॉर्म करते हैं उसका अवेलेबल रिसोर्स से। अवेलेबल रिसोर्स जो है, अवेलेबल रिसोर्स से हम लोग उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्राइकोलेज। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग और ज्वेलरी कैन बी सीन एज ए फॉर्म ऑफ ब्राइकोलेज, वेयर पीपल यूज मटेरियल्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू क्रिएट कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट। तो जो मटेरियल एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उसको फॉर्म दे रहे हैं ना, क्रिएट कल्चरल सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट बनाते हैं। हर एक यूनिवर्स में जितना रिलीजन है सबका एक रोजरी है। रोजरी मतलब जो बीड्स रहते हैं हाथ में जिसको लेके नाम करते हैं, ठीक है, भगवान का, तो वो भी कल्चरल एक सिग्निफिकेंस है, उसका भी एक सिम्बोलिक पार्ट है, उसका एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर से उसको मीनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फिर लेविस्ट्रॉस पे चलते हैं। लेविस्ट्रॉस ने क्या किया ना, लेविस्ट्रॉस फिर यूनिवर्सिटी पेरिस में लॉ की डिग्री लेने लगे, तो फिर सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बने साओ पाउलो ब्राजील में। जो ब्राजील में जब गए उनके अमेज़न के साथ उनका एक काउंटर हुआ, एक रिलेशन बना, ठीक है। इट वॉज दिस टाइम वेर ही बिगैन टू थिंक अबाउट ह्यूमन थॉट क्रॉस कल्चरली व्हेन ही वॉज एक्सपोज टू वेरियस कल्चर्स इन ब्राजील। तो देखिए जैसे ही क्लॉड लेविस्ट्रॉस ने वेरियस एक टू एंड फ्रो सोसाइटी से एक विविड सोसाइटी में एंटर किया, उसका मल्टीपल फैसेट्स निकला, मल्टीपल कलर्ड निकला उस सोसाइटी का, हाँ, एक मैट्रिक्स के हिसाब से उसको तब समझ में आया कि क्रॉस कल्चरल कैसे स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, कैसे थॉट प्रोसेस, कैसे बाइनरी सिस्टम, कैसे बाइनरी ऑपोजिशंस एक इसमें रिलेवेंसी क्रिएट करता है। तो उसका फर्स्ट जो पब्लिकेशन था 1936 में, कवर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोरोरो, जो बोरोरो था उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, ठीक है। और बात करते हैं फर्डिनेंड सोसोरी की, जो कि स्विस लिंग्विस्टिक थे, बॉर्न इन जेनेवा, जेनेवा में बॉर्न किए थे, हुज वर्क इन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक एंड सेमियोलॉजी, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो फिर अब देखते हैं ओरेन के बारे में, तो देख लेते हैं कुछ क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो सब कॉन्सर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड कॉन्सर्न द एपिस्टेमोलॉजिकल एंड थियोरिटिकल अजम्पशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। बोलते हैं द वैलिडिटी ऑफ स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन हैज बीन चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड्स आर इम्प्रिसाइज। ना पहला क्रिटिसिज्म क्या होता है, इम्प्रिसाइज, ठीक है, एंड डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर जो रहेगा उस पर यह डिपेंडेंट रहेगा, ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो क्या हो रहा है क्रिटिसिज्म में ना, ये इम्प्रिसाइज है और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर जो डिपेंडेंट है, तो ऑब्जर्वर का हिसाब से उसका वो नैरेटिव बदल जाएगा, नेगेटिव बदल जाने से उसका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। द क्वेश्चन हाउ इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द सेम फिनोमिना कुड अराइव एट द सेम कंक्लूजन, ठीक है। और ये डज नॉट एड्रेस हिस्टोरिकल चेंज, ये जो हिस्टोरिकल चेंज है सोसाइटी में, स्ट्रक्चर में, कल्चरल कल्चर एंड सोसाइटी में जो हिस्टोरिकल चेंजेस है उसको ये एड्रेस नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट थॉट क्या है ना, द इम्पॉर्टेंस ऑफ परपेचुअल चेंज इन सोसाइटी इज नोटेड व्हेन इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर और विद इन द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ओवरकम, द स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रोड्यूस बट इट ट्रांसफॉर्म्ड और इवॉल्व। तो जब एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जैसे एक सोसाइटी है यहाँ पे बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है, मोबाइल यूज करना चाहिए कि नहीं, ये बोल रहा है करना चाहिए, ये बोल रहा है नहीं करना चाहिए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से बोल रहा है, नहीं, हाफ ऑफ लोगों को जिसको जरूरत है करना चाहिए। तो देखा जाए स्टैटिस्टिकली देखा जाए कि हाफ लोगों को जरूरत पड़ा, जैसे कि हाफ लोग यूज करने लगे उसका इन्फ्लुएंस पड़ा है
इस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन पे, ये हाफ द पॉपुलेशन से 25 पॉपुलेशन जो जो कि वो रिजिडिटी तोड़ के बाहर आए, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अप्लाई मोबाइल को अपनाई किए, फिर इनको जो है वो मेन स्ट्रीम में रहने के लिए, देखिए अब बाकी 75% मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कन्वर्ट कर चुका है यहाँ का, तो ये जो बाकी है ये लियोर हो जाते हैं, और ये और इसको लेना ही पड़ता है टू बिकेम ए पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और नहीं तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था आपको मैं समझाया, इससे आपको और ईजी हो जाएगा, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्सर्न विथ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, तो इसमें रैशनलिटी की कमी दिखाई दिया, इसमें रैशनलिटी की कमी दिखाई दिया, कितना हद तक रैशनल है, अगर एक यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है थॉट प्रोसेस में तो कितना हद तक ये रैशनल है, ये भी सवाल किया गया। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में यहाँ पे और एक क्रिटिसिज्म दिया गया, जहाँ पे हम बात करते हैं मिशेल फुकॉल्ट की, जो कि फ्रेंच सोशल फिलोसोफर थे, उनके हिसाब से इज फॉर दोस हु यूज द लेवल स्ट्रक्चरलिज्म टू डेजिग्नेट वेरी डाइवर्स वर्क टू से व्हाट मेक्स अस स्ट्रक्चरलिस्ट, हाउएवर ही हैज पब्लिकली स्कॉफ्ड एट बीइंग लेबल्ड ए स्ट्रक्चरलिस्ट बिकॉज ही डिड नॉट विश टू बी परमानेंटली एसोसिएटेड विथ वन पैराडाइम, समझ रहे हैं। तो फुकॉल्ट इसमें, फुको इसमें लार्जली लिख के गया है, इसमें बहुत सारा चीज भी पब्लिकेशन भी करके गया है कि वो एक स्कूल के साथ नहीं रह सकते, बट उसने ये बोला कि ये जो लेबल स्ट्रक्चरलिज्म है ये डाइवर्स वर्क को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देता है, और हम लोग उसी से स्ट्रक्चरलिस्ट बने हैं, ठीक है। तो और एक बार इसको शुरुआत से देख लेते हैं, क्या देखें ना, जो ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, एक थियोरिटिकल अप्रोच है इन एंथ्रोपोलॉजी जो कि आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करता है पैटर्न को एंड स्ट्रक्चर विद इन द कल्चरल फिनोमेना, कल्चरल फिनोमेना जो स्ट्रक्चर रहता है उसको आइडेंटिफाई करता है। इट इमर्ज इन द मिड 20th सेंचुरी लार्जली थ्रू द वर्क ऑफ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेविस्ट्रॉस एंड हिज कॉलीग, ठीक है। द स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज वेल एज ऑन रिलेटेड डिसिप्लिन सच एज लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी एंड लिटरेरी थ्योरी। साइकोलॉजी में हम लोग देखें कि जेस्टॉल साइकोलॉजी से हम लोग उसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, जेस्टॉल साइकोलॉजी से, ठीक है। और लिंग्विस्टिक में देखिए कैसे कि फर्डिनेंड सेसोरी लिंग्विस्टिक जो स्ट्रक्चर था उसको डिफाइन किया गया है। द की कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज दैट द बाइनरी ऑपोजिशंस विच रेफर्स टू द आइडिया दैट कल्चरल फिनोमिना आर ऑर्गेनाइज अराउंड पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, तो जो कल्चरल फिनोमिना है वो कल्चरल फिनोमिना कौन सा, जैसे इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैरिज हो गया, वो बाइनरी ऑपोजिशन में ही ऑर्गेनाइज होता है, सच एज मेल फीमेल नेचर और कल्चर। फॉर एग्जाम्पल इन मेनी कल्चर मेन एंड वोमेन आर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट रोल्स एंड बिहेवियर एंड दिस रोल्स आर ऑफन डिफाइंड इन टर्म ऑफ ऑपोजिशन सच एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और रीजन और इमोशन, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। और एक बार देख लिया इसको, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी से इसको इन्फ्लुएंस मिला है, ठीक है, जो कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी किसके बारे में बात करता है ना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है, और फिनोमेनोलॉजी उसका स्टैंड के हिसाब से बात करते हैं कि कहाँ पे है, कौन सा टाइम स्पेस पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट है हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और कलेक्टिव ह्यूमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो रहा है जिससे अवेयरनेस हो रहा है, अवेयरनेस ऑफ एनी टाइप ऑफ अपडेटेड इंफॉर्मेशन, उससे स्ट्रक्चरलिज्म जो स्ट्रक्चरलिज्म का डेवलपमेंट हुआ है वो फर्स्ट हुआ है किया है फर्डिनेंड डी ससूरी। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इन लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में हम लोग देखें कि दो तरह का बाइनरी कल्चरल हो सकता है और नेचुरल हो सकता है, हर एक लैंग्वेज का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग एक अंडरलाइंग ग्रामर होता है, हो सकता है कि सबको वो ग्रामर ना है बट लैंग्वेज एज ए होल उसको एक्ट करता है, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि हिंदी एक लैंग्वेज है, बंगाली एक लैंग्वेज है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर है, इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगल है और इंग्लिश का स्ट्रक्चर सर्कल है जो कि ग्लोबल एक लैंग्वेज है। तो हिंदी का हो सकता है जो व्याकरण है जो ग्रामर है उसको हम लोग पार्ट पार्ट में देख रहे हैं तब जाके हम लोग बोल पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है किसी, बहुत सारा मेनलैंड इंडिया में बहुत सारा हिंदी स्टेट ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हिंदी का ग्रामर नहीं भी पता हो सकता है, तो ऐसे होल उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, होल इसको लैंग्वेज को देखते हैं। बहुत सारा जिनको जैसे कि एग्जांपल हम मैंने दिया कि सॉरी थैंक यू फिर हाउ आर यू, ये सब जो
जैसे कि आपको बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज का, जैसे कि बोलते हैं कि बहुत सारे लैंग्वेज में हाउ आर यू को कैसे जाना जाता है, फिर बहुत जानते हैं हम लोग, तो उसके लिए पूरा लैंग्वेज का ग्रामर सीखने का ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ होल लेते हैं, जैसे कि आपने खाना खाया कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब से। तो लैंग्वेज एक थॉट प्रोसेस से फॉर्म करता है, फंक्शन उसको ट्रिगर करता है, एक फंक्शन उसको ट्रिगर करता है, ठीक है, फंक्शन से वो स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर जैसे ही फॉर्म होता है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका वर्ल्ड व्यू फॉर्मेशन होता है, उसका जो देखने का नज़रिया है वो ऑपरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात किए हैं यहाँ पे इमाइल डुर्खिम के बारे में और मार्सेल मॉस के बारे में, इसको डेवलप करने में हेल्प किया है, और उसके साथ साथ प्रॉक स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक को देखते हैं, जिसमें हम लोग बात किए हैं बाइनरी ऑपोजिशन के, मेल फीमेल, ब्लैक व्हाइट, नेचर कल्चर, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फिर ओरिजिन पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इमर्ज इन मिड 20th सेंचुरी, ठीक है, लार्ज थ्रू द वर्क ऑफ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ लेवी स्ट्रॉस एंड हिज कॉलीग एडमंड लीच, ए ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, हिज वर्क फोकस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ किनशिप सिस्टम, माइथोलॉजीज एंड इंडिजिनियस सोसाइटी, तो इस पे वो लोग उनका काम है। स्ट्रक्चरलिज्म अनदर की कॉन्सेप्ट यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं, जो कि एक कॉन्फाइंड स्ट्रक्चर है, एक बाइकोलेज फॉर्मेशन करता है ना, जो भी नेचुरल अवेलेबिलिटी होता है, नेचुरल रिसोर्स को वो लोग फिर नया फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको बोलते हैं बाइकोलेज, ठीक है। विच रेफर्स to the way that people use the resource available to them in their environment to create cultural artifacts and practices. देखिए तो जो cultural artifact, जैसे कि एक बैटन डी कमांडेंट हो गया, जिसको command करने के लिए use करते थे, एक hypothesis है, तो उसके लिए तो एक world view होना चाहिए, उसके लिए structure होना चाहिए, एक narrative, एक conversion, एक communication होना चाहिए, ठीक है। तो ये form करता है ना, refers to the way that people use the resource, how people use the resource according to the availability of their environment, ठीक है, to create cultural artifact and practices. So structuralists argue that these practices are not simply random or arbitrary, ये सिर्फ random और arbitrary नहीं है, ना कि ये एक structure पैदा करता है, इसका एक cultural meaning है, जो वहाँ के लोग, वहाँ के unit उस पर attach करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग और ज्वेलरी कैन बी सीन एज ए फॉर्म ऑफ ब्राइकोलेज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग देखते हैं, सेम मटेरियल को यूज़ करते हैं, डिफर एक ही जगह पे अगर बहुत सारा इतनी कम्युनिटीज रहेगा, सब उसी का आसपास में जो मिलेगा उसके हिसाब से ही उस वो ये ब्राइकोलेज करेगा, उसका क्लोथिंग करेगा, उसका ज्वेलरीज करेगा, ठीक है। तो ये जो पीपल यूज मटेरियल फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू क्रिएट कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म और एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है कहाँ पे ना, इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, कैसे ना, इन्फ्लुएंसिंग मेनी एरियाज ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग किनशिप स्टडीज, माइथोलॉजी एंड सिम्बोलिक एंथ्रोपोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल लेवी स्ट्रॉस वर्क ऑन किनशिप सिस्टम डेमॉन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ एनालाइजिंग सोशल रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स ना। ये जो सोशल नेटवर्किंग है, ये तो सोशल रिलेशनशिप है, आपका फैमिली में, आपका फ्रेंड में, नेबरहुड में, इसका एक अंडरलाइन स्ट्रक्चर है और उसका एक पैटर्न है, बहुत सिंपल है। डिस्क्राइब रेदर देन सिंपली डिस्क्राइबिंग देम इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ये सिर्फ इंडिविजुअल एक बिहेवियर नहीं है, जैसे कि एक मौसी एक मौसा जैसे एक्ट कर रहा है, ये सिर्फ उस इंडिविजुअल का कैरेक्टर व पर्सनैलिटी नहीं है, ये उस रूल का, उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है एज ए होल, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन के साथ साथ हम लोग क्रिटिसिज्म भी पढ़े हैं, दैट एम्फेसिस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि एक्सपेंसेस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, ऐसा क्रिटिक होता है कि द फोकस ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है इन लोगों ने द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कल्चरल फिलोमिनास को लेके, एंड इग्नोर किया है द हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन शेपिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस।
जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको कम्प्लीटली निग्लेक्ट किया गया है। तो देख लेते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस यहाँ का उसका सिग्निफिकेंट क्या क्या थे और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किए थे ना। क्लॉड लेविस्ट्रॉस इज कॉन्सिडर द फादर ऑफ, शायद आप नहीं भूलेंगे, आप लोग इतना बार ये बता दिया गया है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन है ना, क्लॉड लेविस्ट्रॉस है। देख लेते हैं क्लॉड लेविस्ट्रॉस इज कॉन्सिडर द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। उनका जो वर्क है फोकस एनालिसिस ऑफ किनशिप सिस्टम, जो किनशिप सिस्टम पे जो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे है, जैसे कि आपका भाई, भाई का बेटा, फिर उसका दादा, ऐसे जो रिलेशनशिप बना रहे हैं फैमिली में, लिनिएज में, जैसे कि फैमिली ट्री में होता है उसमें, ठीक है, तो किनशिप को देते हैं। फिर माइथोलॉजी इंडिजिनियस सोसाइटी कैसे में कैसे डील करता है, एलिमेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में वो इसके बारे में बताते हैं। लेविस्ट्रॉस आर्ग्यूड दैट किनशिप सिस्टम आर नॉट आर्बिटरी बट आर बेस्ड ऑन डीप अंडरलाइन स्ट्रक्चर दैट कैन बी एनालाइज एंड अंडरस्टूड। समझ गए कि हर एक फंक्शन का, हर एक इंस्टीट्यूशन का एक अंडरलाइन स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर का एक एनालाइजेशन जो होगा वो अंडरस्टूड होगा सबके साथ। हो सकता है सबको पार्ट बाय पार्ट ना पता हो, लेकिन सबको होल के बारे में पता होगा एज ए मेंबर ऑफ दैट कल्चरल कॉग्निशन, ठीक है। द बाइनरी ऑपोजिशन उन्होंने यूज किया टू डिस्क्राइब द वेज इन विच द स्ट्रक्चर आर ऑर्गेनाइज्ड विथ सोशल रिलेशंस एंड कल्चरल मीनिंग्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट कैटेगरीज सच एज मेल एंड फीमेल और नेचर एंड कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सब क्रिटिसिज्म देख लिए हैं। लेविस्ट्रॉस क्या बोलते हैं, आते हैं और एक फिर से वही कॉन्सेप्ट दोहराते हैं, ब्राइकोलेज, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। विच रेफर्स टू द वेज दैट इंडिजिनियस पीपल यूज द रिसोर्स अवेलेबल, जो आसपास मिलता है उसको कैसे इन्वायरमेंट के साथ और जो अवेलेबल है इन्वायरमेंट में उसको कल्चरल आर्टिफैक्ट एक सामाजिक वस्तु के हिसाब से वस्तु बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो आर्ग्यू डैट दिस प्रैक्टिसेस आर नॉट सिंपली रैंडम, ये सिंपली रैंडम नहीं हो सकते, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड है कल्चरल मीनिंग से, पीपल अटैच टू देम, इसका जो कल्चरल मीनिंग है वहाँ का जो पीपल, उस कल्चर के जो यूनिट है, उस कल्चर के में जो मेंबर्स है, वो जो मीनिंग दिया है वो उनके साथ उस स्ट्रक्चर को फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को स्ट्रक्चर दिया है। एडमंड लिच और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर है, इन्फ्लुएंशियल फिगर है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, हु फोकस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, हाउ एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कैन बी डन इन द स्मॉल स्केल सोसाइटीज। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट सोशल स्ट्रक्चर आर नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड रूल्स और लॉज बट आर इंस्टेड फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टेबल टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो एडमंड लिच बोलते हैं कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ये फिक्स रूल्स पे बंधा नहीं है, कोई फिक्स लॉस पे बंधा नहीं है, ये चेंज है, कल्चरल मॉडर्नाइजेशन जैसे आएगा, कल्चरल रिवोल्यूशन जैसे आएगा वैसे ऐसे इसको चेंज किया जाएगा। ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये जो है ये फ्लेक्सिबल है स्ट्रक्चरलिज्म, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर एक फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि हमने मैंने एग्जाम्पल दिया मोबाइल यूज का और टेक्नोलॉजी यूजिंग का, ठीक है। एडेप्टेबल टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस, जैसे सर्कमस्टेंस कल्चरल मॉडर्नाइजेशन आ रहा है वैसे ही चेंज हो रहा है। लीच और एक बात बोलता है, ऑल्सो एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्बोलिक सिस्टम इन सोशल लाइफ, पार्टिकुलरली द यूज ऑफ मीट्स एंड रिचुअल्स टू रीइन्फोर्स सोशल रिलेशनशिप एंड कल्चरल मीनिंग, ठीक है। ओवरऑल द वर्क लेविस्ट्रॉस एंड लीच कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन एक साथ है इस स्ट्रक्चरलिज्म को फॉर्म करने में, डेवलप करने में। दे डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ एनालाइजिंग cultural phenomena in terms of underlying structures and patterns rather than simply describing them as isolated facts or behavior. ये अलग अलग करके हम लोग देखेंगे, किसी का एक ट्राइब का अलग देखेंगे, किसी का अलग देखेंगे, तो इससे और ईजी हो जाएगा cultural phenomena को समझने के लिए। Their work had a profound impact on the discipline of anthropology and continues to influence the research in areas such as kinship, mythology and social structure. आज भी ये impacted करता है anthropology discipline में,
ये कौन कौन सा थी जगह पे रीजन पे काम करते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि किनशिप काम पे करते हैं, माइथोलॉजी को स्टडी करते हैं और सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लास्ट तक अगर रहते रहते हैं तो देख पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बुक का नाम भी शेयर कर देते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम पे जो एग्ज़ाम्स है जो कि एग्ज़ाम के देखा जाए एग्ज़ाम के तौर पर देखा जाए तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो एडमंड लीच का हिसाब से क्या क्या बुक था, तो पॉलिटिकल हाईलैंड ऑफ सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा बहुत इंपॉर्टेंट बुक था 1954 में। यहाँ पे वो बात करते हैं ना काचिन सोशल स्ट्रक्चर, काचिन के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो बुक है दिस बुक इज बेस्ड ऑन लीच फील्ड वर्क इन बर्मा एंड एक्सप्लोर द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काचिन पीपल। यहाँ पे क्या करते हैं फील्ड एडमंड लीच यहाँ पे फील्ड वर्क करते हैं बर्मा में और एक्सप्लोर करते हैं जो पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो काचिन पीपल है वहाँ का सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब किए हैं। रीथिंकिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द इन्फ्लुएंशियल बुक लीच क्रिटिक द पॉजिटिविस्ट एजम्पशन ऑफ मेन स्ट्रीम एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्ग्यूज फॉर ए मोर रिफ्लेक्सिव एंड क्रिटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कल्चर। तो जैसे कि बता रहा था कि ये कल्चरल जो स्ट्रक्चर्स है ये स्ट्रक्चर फ्लेक्सीबल है। तो ये 1961 में इन्होंने एक बुक लिखा जो कि रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी 1961 में ये बोलते हैं कि कैसे कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच को क्रिटिसिज्म करते हैं ना, बोलते हैं कि इसको और एक रिफ्लेक्सिव कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं जेनेसिस एज मीथ एंड अदर एसेज 1969। दिस कलेक्शन ऑफ एसेज इंक्लूड सम ऑफ लीच मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ माइथोलॉजी इंक्लूडिंग हिज एनालिसिस ऑफ द स्टोरी ऑफ जेनेसिस इन द बाइबल। तो बाइबल को डिस्क्राइब करते हैं जेनेसिस ऑफ मीथ एंड अदर एसेज, ठीक है। फिर कल्चरल कम्युनिकेशन को द लॉजिक बाई विच सिम्बल्स आर कनेक्टेड, ठीक है। कल्चरल एंड कम्युनिकेशन को कैसे हम लोग देख पाएंगे, द लॉजिक बाई विच सिम्बल्स आर कनेक्टेड ना, कौन सा लॉजिक से सिम्बल्स कनेक्टेड है थॉट प्रोसेस से। इन दिस बुक लीच अप्लाइज ए स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ द कम्युनिकेशन एंड मीनिंग मेकिंग आर्ग्यूइंग दैट ऑल ह्यूमन कल्चर शेयर ए कॉमन लॉजिक ऑफ सिम्बल यूज। हर एक कल्चर में ये कॉमन है, एक लॉजिक जो है एक सिंबल यूज के पीछे वो कॉमन है मोस्टली। टोरे लेविस्ट्रॉस के इंपॉर्टेंट बुक का नाम देख लेते हैं द एलिमेंटरी स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जहां पे वो लोग 1949 में लिखा गया है, जहां पे वो लोग बात करते हैं, जहां पे वो बात करते हैं किनशिप के बारे में और उसका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ट्रिस्टिस ट्रॉपिक्यूस जो कि ब्राजील में लिखा गया है 1955 में, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ट्रैवलॉग है जहाँ पे लेविस्ट्रॉस एक्सपीरियंस बताते हैं एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन ब्राजील एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इज ब्रॉडर रिफ्लेक्शन ऑन कल्चरल हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी। बहुत अच्छा बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, एज ए सब्सिडरी बुक भी आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1958 में, दिस बुक इन्फ्लुएंशियल बुक्स ले आउट द बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन एंड द अदर इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। द सेवेज माइंड, ठीक है, 1962 में आया है ये, इसमें क्या बात करते हैं ना लेविस्ट्रॉस अप्लाई स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया टू स्टडी द माइथोलॉजी को पढ़ने के लिए स्ट्रक्चरल आइडिया को यूज़ करते हैं आर्ग्यूइंग दैट मीथ्स रिवील डीप स्ट्रक्चरल पैटर्न इन ह्यूमन थॉट। तो माइथोलॉजी जो लिखता है वो डीप साइको थ�ॉट प्रोसेस को शो करता है। द रॉ एंड द कुक्ड इन 1964, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लेविस्ट्रॉस बता रहा है कि मल्टी वॉल्यूम एक बुक का सीरीज है यहाँ पे माइथोलॉजी को यूज़ किया गया है, माइथोलॉजी को बारे में पढ़ा गया है। एक्सप्लोर द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ फूड एंड कुकिंग इन डिफरेंट कल्चर, खाना और उसको बनाने के तौर तरीके को कैसे देखा गया है हर एक कल्चर में, इसको डिफाइन किया गया है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको ये सब्जेक्ट ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहे प्लीज़ नीचे कॉमेंट कीजिए और हमको बताइए और हेल्प कीजिए हमको ये चैनल और भी ग्रो करने का, आप सबके साथ शेयर करेंगे और सबको ये बताइए कि कैसे एक एंथ्रोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए भी एज ए कॉन्शियस सिटीजन आप पढ़ सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो इसको एक्सप्रेक्ट कीजिए नॉट एज अ सब्जेक्ट, एज ए ट्रेंड और एज ए एक नॉलेज इसको आप स्प्रेड कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ऐसे ही हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।
And that's it for this video. I hope you find it helpful and informative. If you have any questions or comments, please feel free to leave them down below in the comment sections. And don't forget to give this video a thumbs up if you find it useful. Thanks for watching, and I will see you in the next video.